हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम नंदिता एंड यू आर वाचिंग नंदिताज मिली चैनल। फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैंने मेरा वर्कआउट फिनिश किया। ये देखिए कितना स्वेटिंग हो गया था। टू डेज मैंने वर्कआउट नहीं किया था। हाँ, बट ऐसा था, प्रॉपर वर्कआउट नहीं कर रही थी, बट फिर भी मैंने अपना स्टेप काउंट बंद नहीं किया था। स्टेप काउंट कर रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं, मतलब बोलते हैं ना, अपना स्कूटी लेके बाहर ना जाऊँ, जितना भी काम हो, जो भी शॉपिंग का जो भी काम है, चल के जाऊँ, जितना हो सके स्टेप काउंट करूँ। और एवरी डे नई नई करके भी मैं 6,000, 7,000, 10,000 इतना मैंने 3 डेज में अचीव किया। तो वही होता है ना कि हम अपने वर्कआउट, अपने फिटनेस जर्नी में, अपने वेट लॉस जर्नी में हमेशा आप ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर टाइम पे वर्कआउट करना ही है तभी आप वेल मेंटेन रहोगे। आप हमेशा कैलकुलेट करके चलिए कि आप दिन भर एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए, मतलब ऐसा लथार्जिक फील मत कीजिए, एक्टिव रहिए, थोड़ा स्टेप काउंट कीजिए, थोड़ा चलिए। तो मैंने थ्री फोर डे से वर्कआउट नहीं हो पा रहा था प्रॉपर वर्कआउट, तो आज मैंने अच्छे से वर्कआउट किया। और आज खुशखबरी ये है, गुड न्यूज़, कि आज एयर इंडिया का फ्लाइट उड़ गया उड़ीसा से मुंबई के लिए। आज हेमंत आ रहे हैं फाइनली। फ्लाइट ऑन टाइम था, ऑन टाइम नहीं, 1.5 घंटा लेट हो गया, बट फिर भी अभी हेमंत का कॉल आया था कि बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहा है, तो हेमंत का कॉल आया था कि फ़्लाइट उड़ चुका है, मतलब मैसेज किया होगा, फ्लाइट में बैठ के फ़ोटो भेजा अपना, तो तब जाके पृथ्वी को थोड़ा अच्छा लगा, खुशी लगा। और अभी का ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, बट हाँ, हेमंत आएंगे तो थोड़ा देरी के लिए हम लोग बाहर निकलेंगे, कहीं थोड़ा बाहर घूम के आएंगे, लाइक यहीं लॉन्ग ड्राइव पे आसपास कहीं जाएंगे। पृथ्वी को बाहर लेके जाना है क्योंकि वो इतना दिन से बाहर गया नहीं पापा के साथ। तो चलिए, अभी मेरा वर्कआउट फिनिश हो गया, मैं अभी जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। पृथ्वी गया है अपने क्लासेस में, क्लास में गया है, मैं अभी उसको, अभी हुआ है 5:20, हेमंत का फ्लाइट कुछ 4 o'clock का था, तो भुवनेश्वर से मुंबई आने के लिए 2.5 hours, मतलब 2 घंटा 20 मिनट ऐसा दिखाता है। तो सम अराउंड अभी अगर 4 बजे हेमंत बैठे हैं, 4, 5, 6, 6:30, और एयरपोर्ट से नवी मुंबई आने के लिए उनको अगर ट्रैफिक तो अभी रहेगा तो लग जाएगा टाइम, तो मे बी शायद 8 बजे तक हेमंत आ जाए। अगर हेमंत 8 बजे तक आ जाएंगे तो हम लोग पक्का, अगर हेमंत के पास पेशेंस रहेगा, अगर वो ठीक है, उनको अगर अच्छा लगेगा, तो हम लोग पक्का जाएंगे कहीं, तो पृथ्वी को लेके बाहर जाऊंगी। तो चलिए, मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए और वर्कआउट के बाद। हाँ, अभी मैं लूँगी ब्लैक कॉफ़ी लूँगी और उसके साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लूँगी वर्कआउट के बाद। वर्कआउट के बाद आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है, आपका फैट कटर के लिए बहुत हेल्प करता है, फैट को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, मैं फटाक से फ्रेश होती हूँ और जाती हूँ पृथ्वी को लेने के लिए और मिलती हूँ थोड़ी देर में। आके पहुँच गया और पृथ्वी का खुशी देखी। पृथ्वी का खुशी दिख रहा है, फाइनली हेमू आके पहुंच गए। इतना लेट लेट करने के बाद हेमंत आके अभी पहुंचे। कैसा था ट्रिप हेमू उड़ीसा का? अच्छा था, एंजॉय किए? और हम इधर कितना बोर हो गए। सो फ्रेंड्स, हेमंत आते ही तुरंत मुझे मेरे हाथ में ये थमा दिया, क्योंकि इसका मुझे बहुत इंतजार था। यह है पूरी मंदिर का प्रसाद। आप लोग में से बहुत लोग पूरी मंदिर के बारे में जानते होंगे। उड़ीसा में है पूरी मंदिर जगन्नाथ जी का, वहाँ का प्रसाद है जिसका मैं वेट कर रही थी। और ऐसे बन गया? अच्छा, तो ये वाला प्रसाद लाए। देखिए, ऐसे टोकरी में आता है और इसमें बहुत सारे प्रसाद रहता है, ड्राई प्रसाद। और हेमंत गए थे दर्शन करके आए, बहुत किस्मत से मिलता है ये। शुभम इधर आओ, पृथ्वी इधर आओ, पहले ये लो, नमकुर खाओ, ठाकुर पोषण। जय भगवान, जय भगवान। मेरे को गुजिया चाहिए, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग, ये लो, इसको लेके चलो। ये गुजिया? हाँ, ये बहुत सारे ऐसे प्रसाद रहते हैं उसके अंदर, तो ऐसे बॉक्स में लाए। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना, ये मेरी सासू माँ ने भेजा है। ये घी है, उनको डब्बा नहीं मिला होगा, तो जो डब्बा में मिला वही डब्बा में, घर का बना हुआ घी बहुत अच्छा रहता है। मम्मी ने ज्यादा घी रखा था ना, हेमू ज़्यादा घी बना के रखा था, लेकिन हेमंत लाने के लिए कोई बैग नहीं था, तो किस में लाएंगे, तो इसीलिए इसमें लेके आए हैं। ये देखिए कितना अच्छा, मतलब घी का कलर ही अलग है, घी का कलर ही अलग हो जाता है। ये मेरी सास बना के रखते हैं, हर साल 5 किलो 6 किलो घी मिलता है, बट हेमंत ने इस बार कम घी लाया, बैग में जगह ही नहीं हो रहा था ना उनके ट्रॉली में रखने के लिए,
और ये दोनों मेरा फेवरेट है, एक तो सास के हाथ का बना हुआ घी मिल गया और दूसरा ये भगवान का प्रसाद मिल गया। आप लोग की तरफ से मैं भी ये खा लेती हूँ और भगवान हम सबको ब्लेस करें। चलिए अभी जा रहे हैं हम लोग डिनर के लिए। पृथ्वी इधर आओ तो सामने कैमरे के, इधर आ। खुश हो क्या पापा आ गए? कितना, थोड़ा कि ज़्यादा? स्पीचलेस। अरे बाप रे, स्पीचलेस हो गया पृथ्वी। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं डिनर के लिए। ट्रैफिक बहुत था इसलिए हेमंत को आते आते लेट हो गया, वो जल्दी आ जाते थे बट अभी आज ऑफिशियल डे है ना तो बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। अभी वो आए 9 बज गए, अभी हम लोग निकलते हैं डिनर के लिए और मिलते हैं थोड़ी देर। फ्रेंड्स अभी हम लोग आ गए ओडाइन होटल में। ये होटल का बहुत सारा रिव्यू मतलब मैंने देखा था इंस्टा में, इनका बहुत सारा ऐड देखा था। तो अभी हेमंत आने के बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो इधर आते हैं डिनर के लिए। एक्चुअली हम लोग को बारबेक्यू नेशन जाना था बट बहुत बार बारबेक्यू नेशन जा चुके हैं इसलिए प्लान किया कि चलो ओडाइन आते हैं। यहाँ का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और हाईवे पे है, फार्मीज रोड के मोराज कॉम्प्लेक्स के उधर है, हाईवे के उधर ही है। और ये हम लोग जहाँ बैठे हैं ना उसका व्यू ये साइड में है और ये पीछे का व्यू है। फिलहाल अभी तक तो हमने कोई फूड अभी तक ट्राई नहीं किया, अभी हम ऑर्डर किए हैं। और हाँ, इनका बुफेट और आला कार्ट दोनों ही हैं, आप चाहे तो बुफेट भी ले सकते हैं और आला कार्ट दोनों कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे चूज़ कर सकते हैं। तो अभी आए हैं इधर देख पे, अभी तक तो स्टार्ट नहीं किया, खाने के बाद ही मैं रिव्यू दे सकती हूँ कि कैसा है। बट हाँ, एम्बियंस बहुत अच्छा है और इन लोगों ने मेंटेन बहुत अच्छे तरीके से किया है। और पृथ्वी को देखिए, उठा रखो बाबा, इधर है पृथ्वी। नाउ यू आर हैप्पी? थोड़ा की ज़्यादा? और मुझे थोड़ा टमेटो सॉस दीजिए ना, केचप, टमेटो दीजिए। हाँ, टमेटो। तो अभी सूप तो सर बनेंगे, देखिए सूप आ गया है। मैं तो वेजिटेरियन हूँ तो वेज सूप आया है और इन लोगों ने और भी कुछ ऑर्डर किया है, लेट्स सी क्या आता है। तो चलिए इंजॉय करते हैं फूड। अभी मत गए हैं वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, उनको वॉशरूम जाना था वही गए हैं और हम लोग अभी बैठे हैं। टायर्ड लग रहा है बट हेमंत ऐसा था कि नहीं निकलेंगे, वो फ्लाइट से ही बाप बेटे का प्लानिंग हो गया था कि जाएंगे बोल के इधर, मतलब ऐसा प्लान नहीं था कि आना है यहाँ पर, बट ये दूर है, थोड़ा दूर आ गए हम लोग वाशी साइड आए हैं सानपाड़ा में कामोटे से। बट लेट्स सी कैसे, खा के पहले देखते हैं कैसा है और फिर मैं। बहुत खुश है पापा आने की खुशी में, हेमंत 2 दिन के लिए बोल के गए थे और 5 दिन के बाद आए हैं तो इसीलिए हम लोगों ने प्लान, हेमंत आने के बाद जाएंगे हम लोग डिनर के लिए। इसमें भी बहुत खुश है। कहाँ जाते हो? खाने का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। रिव्यू क्या दोगे? Thank you.
पूरा डाइनिंग का एरिया है, यहाँ पे मेन कोर्स है और ये पूरा होटल का व्यू है, रेस्टोरेंट का व्यू है, इधर बार काउंटर है। बट मैंने जितना भी इन लोग का मेन्यू देखा ना, और स्वीट डिश में अभी टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, अगर बारबेक्यू नेशन जाते हैं तो वहाँ पर कुल्फी, आइसक्रीम और फालूदा वगैरह भी रहता है। तो अभी देखते हैं उसमें इनमें इनके पास क्या क्या अवेलेबल है। अभी जो देखा मैंने उसमें तो है नहीं, बट खाते टाइम देखते हैं कि उन लोग क्या क्या सर्व करते हैं। अभी टाइम हो गया है स्वीट डिश का, तो स्वीट डिश में क्या क्या ऑप्शन है। स्वीट डिश में था ये मालपुआ है और हनी चीज़ नूडल्स था जो मैंने खाया, और ये पुडिंग है और आइसक्रीम है। आइसक्रीम में दो ऑप्शन था, चॉकलेट एंड वेनीला और गुलाब जामुन। गुलाब जामुन मैंने लिया नहीं, बट हाँ और केक था, पेस्ट्री था छोटा पेस्ट्री, वो भी मैंने लिया नहीं। ऑप्शन में अगर देखा जाए तो बारबेक्यू नेशन में ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, वहाँ पर फालूदा होता है, कुल्फी भी रहता है, तो उस पर ऑप्शन ज़्यादा थे। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े कम है स्वीट डिश में, बट हाँ जो भी है टेस्ट बहुत अच्छा है, फूड का क्वालिटी बहुत अच्छा है। अभी हम लोग का डिनर हो गया और अभी हम घर जा रहे हैं, सारे लाइट बंद हो चुके हैं। और कितना बज गया अभी, अभी बज गए 11:40 हो गया। आराम से जाओ, तो अभी जा रहे हैं घर, डिनर हो गया और हेमंत को आते ही बाप बेटे का प्लानिंग हो चुका था। जब हेमू एयरपोर्ट में थे तभी प्लानिंग कर लिया था पृथ्वी ने कि नहीं पापा आप आओगे तो हम लोग डिनर के लिए जाएंगे, तो वही आए, थोड़ा टाइम स्पेंड किए। 5 दिन से हेमंत नहीं थे, मैं और बाबू सब मैनेज कर रहे थे, तो इसीलिए आज आए इधर। होटल का रिव्यू अगर आप मुझे पूछोगे तो अच्छा ही था, खाना अच्छा था, फूड क्वालिटी सब अच्छा था। हाँ थोड़ा मेन्यू कम था, मेन्यू थोड़ा कम था, लाइक कंपेयर करेंगे अगर मुझे भी तो सैनिटाइजर, अगर कंपेयर करेंगे ना बारबेक्यू नेशन और यहाँ का ओडा इनका, तो एम्बियंस बहुत अच्छा है, अंदर का एम्बियंस अच्छा था और फूड, जितना भी फूड ऑप्शन था ना, जितना भी सारे अच्छे थे, क्वालिटी अच्छा था, फ्रेश था, खाना अच्छा था। ऑप्शन थोड़ा कम मिलेगा, बट हाँ फॉर ए चेंज अगर बारबेक्यू में खा खा के पक गए हैं तो थोड़ा अलग चेंज के लिए इधर आ सकते हैं। तो चलिए अभी जा रहे हैं घर, पृथ्वी अभी घर जा रहे हैं ना, तो अभी जा रहे हैं घर और जाके सो जाएंगे। हाँ हेमू इधर से क्या पता, पूछो गार्ड को पूछो। अभी ऑलरेडी एक्चुअली क्या कोविड के रूल के हिसाब से आजकल जल्दी होटल्स बंद हो जा रहे हैं, तो हम लोग जब निकले घर से ही निकले थे 9:30 बजे, और उसके बाद उनका सर्च करके आ रहे थे एड्रेस, तो थोड़ा आगे चले आए थे। ऐसे पहुँचते पहुँचते हम लोग का 9:40-9:45 हो गया था, थोड़ा लेट हो गया था, बट पहले से हम लोगों ने रिजर्व कर लिया था, तो उन लोग ने यही बोला था कि आप अगर आ जाएंगे तो 11:30 तक आप रुक। अभी पृथ्वी आप लोग को एक गाना गा के सुनाएगा, एक्चुअली ये सॉन्ग सबको पसंद है, मतलब बोलते हैं ना ये सॉन्ग पूरा वायरल हो चुका है हर जगह, बट मैं बहुत ट्राई की हूँ ये गाना गाने का, बट मेरे से होता नहीं है, कुछ ना कुछ वर्ड मेरा मिसिंग होता है, बट अभी पृथ्वी गा रहा था इतना अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से वो सीख गया। अभी सुनिए आप लोग को पृथ्वी ये गाना गा के अभी सुनाएगा। पृथ्वी जोर से गाना, जोर से बोलने से मेरा आवाज मोटा हो जाता है। नहीं मोटा नहीं होगा, ठीक होगा, गाओ तो सही। चलिए स्टार्ट। एनिए माके हिते उजुए नूरा है कुमियामी एनिए वी जोरे टुगाओ एनिए नुमे नाके पाके मिन्ने हामे हायावी श्री वेवी माँ अंतला नम देवेटे ना नुम्पे मख पैतले ना नुनारी मनहारी सुकमारी नुम्बतमा
जरूर बताइएगा कि आपको ये गाना कैसा लगा पृथ्वी का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसको ये गाना मैं पूरा सिखाऊंगी, पूरा बोलूंगी सीखने के लिए, और उसका गाने का एक अलग से वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी हम घर आ गए, हाँ बिल्डिंग के नीचे है घर, आ गए और हेमंत आ गए, बड़ा खुश हो गया पृथ्वी, मैं भी बहुत खुश हो गई। 5 डेज इतना हम लोग अकेले थे, बहुत बोर लग रहा था, बट आते ही हम लोग का घूमना चालू हो गया। पृथ्वी का गाना कैसा लगा जरूर बताइएगा, आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं पृथ्वी का गाना जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए क्या करना है पृथ्वी? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सब कर डालो। हाँ सब कर डालो। तो चलिए, हाँ लाइक के बटन पर कुछ भी मारो, लेकिन लाइक का बटन दब जाना चाहिए। ओके ठीक है दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।